राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। शहडोल में पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलने पर उन्होंने पोस्ट किया, जिसका मामला सामने आया था और आईबीसी 24 ने इस खबर को दिखाया भी था। उन्होंने लिखा कि अवैध खनन रोकने गए पटवारी की हत्या हुई है, मध्य प्रदेश में यह पहला मौका नहीं है। ये बात कमलनाथ ने कही है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह से व्यक्ति को कुचलकर हत्या की गई है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाला पनप रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार पर आरोप उन्होंने लगाए हैं। आगे कहा कि मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, दिवंगत परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग करता हूं। तो ये बात पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यहाँ पर कही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पूरे मामले पर उन्होंने अपना बयान यहाँ पर जारी किया, तो तस्वीरें भी आप देखिए उनकी ट्वीट की। जाहिर सी बात है कि आगे भी इस पर लगातार बयान बाजियां होंगे इस पूरे मामले को लेकर के, और लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जिसके बाद अब कमलनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर दी है।